स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है F3। और ये मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। हमें दिखाया जाता है वरुण के मामा उसे बचा लेते हैं और हारिका जिस कपड़े से लटकी थी वो कपड़ा फटता है और वो बच जाती है। वेंकी एक बोट पे गिरता है, नागराज हॉस्पिटल में उठता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारा बचना चमत्कार से कम नहीं है, मिलियंस में से एक जना बचता है। नागराज हैरान होता है। और हमें दिखाया जाता है वेंकी अपने दोस्त के साथ जाता है आनंद का बेटा बन के, उसका स्वागत करते हैं सब लोग। आनंद कहता है बेटा इतने सालों से कहाँ था। वेंकी झूठ कहता है, वो कहता है मेरे से गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा। पीए कहता है इतने सालों से कहाँ थे तुम और अब क्यों आए हो। वेंकी कहता है पापा आने के बाद इतने सवाल, और मुझे जिसने पाला उसने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, मैं वापस जा रहा हूँ। आनंद रोकता है और नौकर आता है और कहता है एक और बेटा आया है, वरुण अपने मामा के साथ आया था। वेंकी हैरान होता है और वरुण भी। वो आता है और आनंद की वाइफ की फ़ोटो देखकर कहता है माँ मैं आ गया, अब मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। आनंद हैरान होता है, वरुण सॉरी कहता है उन्हें। वरुण बोलते बोलते अटकता है। पीए कहता है आनंद के बेटे को ये अटकने वाली बीमारी नहीं थी। वरुण का मामा कहता है बेचारा घर से बाहर था ना, ढंग से खाना नहीं मिला, कमजोरी से अटकने की आदत हो गई। आनंद इमोशनल होता है। वेंकी कहता है मुझे भी कमजोरी से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। नौकर हैरानी से आता है और कहता है एक और बेटा आया है। हारिका लड़का बन के आती है गाना गाते हुए। पीए कहता है तुम्हारी आवाज़ लड़की जैसी नहीं है। हारिका की माँ कहती है फूड कोर्ट का खाना खा के बड़ी हुई है, कैसी आवाज़ की उम्मीद कर रहे हो। नौकर वापस हैरान होता है और कहता है एक और बेटा नागराज एक एक्टर के साथ आता है। एक्टर पीए का गला पकड़ता है और कहता है कैसे बापू अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया, ढूंढा भी नहीं। नागराज मारते हुए कहता है ये बाप है। एक्टर कहता है सेम डायलॉग। वेंकी कहता है जूनियर आर्टिस्ट। नागराज कहता है हाँ। चारों कन्विंस करने में लगे थे। आनंद गुस्से में जाता है, वो अपने पीए से कहता है मुझे उम्मीद है इनमें से एक मेरा बेटा है, सबको ये रहने के लिए कहो जब तक पता नहीं लगता। और बाद में सब बात करते हैं। वेंकी कहता है असली बेटा आने से पहले इसकी सारी दौलत टूट के चले जाते हैं, सब अपनी तरफ से कोशिश करो, देखता है कौन अमीर बनता है। वरुण कहता है इतना तेज क्यों बोल रहे हो, किसी ने सुन लिया तो। वेंकी कहता है ये भी तो हो सकता है जो सुन रहा हो वो आनंद को मार के उसकी सारी दौलत लेना चाहता हो। आनंद के यहाँ काम करने वाला आदमी कहता है अच्छा आइडिया है। और बाद में हमें दिखाया जाता है वो कार एक चोर ने चोरी की थी, वो उस कार को बेचना चाहता था लेकिन कोई कार नहीं खरीदता, वो भंगार थी। चोर अंदर देखता है उसमें बहुत सारे पैसे और डायमंड मिलते हैं, वो खुश होता है लेकिन वो लेटर देखता है जिसमें लिखा था ये असली है। चोर को लगता है ये डायमंड और पैसे नकली हैं। आनंद का आदमी गुंडे के पास जाता है आनंद को मरवाने के लिए। गुंडा कहता है आनंद को मारने के लिए मेरे पास बहुत खतरनाक प्लान है। और बाद में वेटर बन के वो आनंद के घर में जाता है, वो उसके दूध में जहर मिला के उसे मारना चाहता था। आनंद का आदमी कहता है ये था तुम्हारा प्लान। गुंडा मारता है, वो दूध लेकर जाता है। पीए कहता है सर रात को दूध नहीं पीते, नया नौकर है क्या। वरुण का मामा आता है गुंडे को मारता है और कहता है कैसा नौकर है। गुंडा गुस्से में दिखता है। वरुण का मामा कहता है ये तो गुंडा लग रहा है। गुंडे के आदमी कहते हैं नहीं नहीं ये गुंडा नहीं है, और वो उसे मारते हैं साबित करने के लिए। और बाद में सब डिनर पे आते हैं। वेंकी कहता है 20 साल बाद आए हैं, ज़्यादा नाटक नहीं करते वरना उन्हें पता चल जाएगा, जल्दी खा के निकलते हैं। सब खाना खाने लगते हैं, वेंकी प्लेट लेकर जाता है। आनंद आता है, उसे गुस्सा आता है, सब उसके बिना ही खाना खाने लग गए थे। वेंकी आता है और कहता है पापा चलो खाना खाते हैं। सब हैरान होते हैं, उसे दिख नहीं रहा था। वो बार बार आनंद को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, आनंद बार बार मना करता है। वो गुस्से में कहता है नहीं खाना मुझे मीठा। पीए कहता है भूल गए इन्हें डायबिटीज़ है। वेंकी कहता है क्या वो ठीक नहीं हुई क्या। आनंद लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था, सब उसे देख के लेफ्ट से खाना खाते हैं। पीए कहता है उन्हें हाथ में चोट लगी है वरना वो राइट से ही खाना खाते हैं, और सब वापस खाने लगते हैं राइट से। और पीए कहता है लेकिन उनके खानदान में लेफ्टी थे, वो सब लेफ्ट से खाते हैं और वो ऐसे ही बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। आनंद गुस्से में कहता है खाते समय झूठ नहीं कहते, कौन है असली बेटा बताओ। हारिका कहती है पापा भूल गए आप मुझे बचपन में गोद में लेके बहुत खिलाते थे, मुझे झूला झुलाते थे। वेंकी कहता है वो तो सबके पापा करते हैं, सॉलिड प्रूफ दो। वरुण भी कहता है हाँ कुछ अच्छा प्रूफ दो। नागराज कहता है एक्टर से तुम भी कुछ बोलो। एक्टर गुस्से में कहता है यहाँ इतने सारे मल्टी स्टार हैं, मेरे जैसा छोटा एक्टर क्या बोलेगा इनके बीच में। पीए कहता है बिल्कुल आनंद सर के बेटे जैसा गुस्सा। सब लड़ाई करते हैं, आनंद परेशान हो जाता है। और बाद में आनंद का दोस्त आता है अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आनंद के बेटे के लिए। आनंद कहता है पता नहीं चार बेटे आए हैं। उसका दोस्त कहता है मैं असली ढूंढ लूँगा। वेंकी सुनता है, वो सबको कहता है पापा इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, लड़की के पापा मना कर रहे हैं। वरुण जाता है मारने के लिए लड़की के पापा को। हारिका भी जाती है, वो लड़की से टकराती है, लड़की को हारिका पसंद आती है। वरुण कहता है पापा मैं आपकी शादी ज़रूर करवाऊँगा। आनंद कहता है बात तो पूरी सुन ले। गुंडा दूध लेकर आता है, आनंद कहता है इसमें जहर डाल के दे दे। गुंडा कहता है डाल रखा है बस पी लो। सब हैरान होते हैं, सब उसे मार मार के ले जाते हैं। वेंकी आता है और कहता है
अंकल आंटी आप कैसे हो। वरुण और उसके मामा को गुस्सा आता है। वो आनंद के घर से डायरी लेकर आने का नाटक करता है और वेंकी देखता है और वरुण डायरी पढ़ता है और कहता है बेटा जब तुम वापस आओगे तो दारू के साथ फिश खाएंगे और डांस करेंगे। वेंकी सुनता है और खुश होता है। गुंडा वापस जहर वाला दूध लेकर आ ही रहा था। आनंद पीने वाला था लेकिन वो बार बार रुक जाता है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। वेंकी आता है, वो दूध गुंडे के मुंह पे मारता है और दारू देता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस करता है और आनंद को गुस्सा आता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी परवरिश पे शर्म आ रही है। वरुण हंसता है। वेंकी कहता है आपने डायरी में लिखा था। आनंद कहता है कौनसी डायरी में, मैं कोई डायरी नहीं लिखता। वरुण आता है, दवाई देता है और आनंद कहता है तुम मुझे अपने बेटे लगते हो। नागराज का एक्टर गालियाँ देता है, सब परेशान करते हैं। आनंद का दोस्त अपनी बेटी से कहता है चलो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लड़की हरिका को देख के कहती है मुझे ये लड़का पसंद है, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ। और सीन शिफ्ट होता है। चोर डायमंड बेच रहा था सस्ते में, उसे नकली लग रहा था। वो कमिश्नर के पास भी आता है डायमंड लेकर। कमिश्नर को भी डायमंड नकली लगता है। वो उसे भगा देता है और गुस्से में फ़ोन करता है नागराज को। कमिश्नर कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। नागराज कहता है आपको कैसे पता चला हम विजयनगर में हैं। कमिश्नर हंसते हुए कहता है मुझे पता था, तुम खुद बता दोगे, सब डरते हैं। वो कहता है हमें एक हफ्ता दीजिए, 10 गुना पैसा वापस करेंगे। लड़की आती है और कहती है मैंने सब सुन लिया था, तुम सब नकली हो, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, मुझे तुम में से एक पसंद है। वरुण खुश होता है। लड़की हारिका पे उंगली पॉइंट करती है और कहती है ये है असली मर्द। हारिका हैरान होती है। लड़की कहती है मैं इसके साथ दर्जन भर बच्चे करना चाहती हूँ, 5 मिनट में से रूम में भेज दो वरना मैं अंकल को सब सच बता दूंगी। हारिका हनी और उसकी माँ को दौरे पड़ते हैं। वेंकी लोहा टच करवाता है और कहता है तुम्हें जाना होगा वरना हम सब पकड़े जाएंगे। वो भेज देते हैं हारिका को। लड़की उसके साथ बहुत डांस करती है, उसके साथ रोमांस करती है। हारिका बस पीछे हट रही थी। आनंद का पी कहता है सर डीएनए टेस्ट करवाते हैं। आनंद कहता है अगर ये मीडिया में आया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, तुम ही एक से बढ़कर एक हार्ट टेस्ट लो। आनंद का पी सबको कहता है सर को लगता है तुम में से एक उनका बेटा है, सर कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं जो सिर्फ उनका बेटा ही पास कर सकता है। वो बहुत बड़ा बुल मंगवाते हैं। पीए कहता है जो इसे हरा देगा वो टेस्ट पास कर लेगा। नागराज का एक्टर पहले जाता है, वो बांसुरी बजाता है। बुल उसे सींग से मारता है। एक्टर दूर जाता है। वरुण केला देता है। बुल का मालिक कहता है इसे केला बहुत पसंद है। वरुण केला खिलाता है। मालिक कहता है ये क्या किया, अब ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, केला खाने के बाद ही पागल हो जाता है। वो वरुण को भी सींग से मारता है। वो बहुत दूर गिरता है। हारिका की माँ बाम देती है और कहती है इससे काम हो जाएगा। उसे जो लड़की पसंद करती थी वो कहती है तुम कर सकते हो। हारिका डरते हुए जाती है, बुल को बाम लगाती है। बुल सींग मारता है। वेंकी हंसता है। वेंकी जाता है। बुल उसे भी सींग से मारता है। वेंकी हार नहीं मानता, वो वापस खड़ा होता है। बुल तेज़ी से आता है। वेंकी अपनी कहानी सुनाता है, उसकी माँ बहन भाई पापा और हारिका कैसे उसे टॉर्चर करते हैं। बुल उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो बैठता है शांति से। वेंकी उसका सींग पकड़ता है। पीए उनके चेहरे पर लाल मिर्च लगवाता है और गरम लोहा टच करवाता है। सब करते हैं। पीए घास तक भी खिलाता है कमिश्नर के डर से। वो कोयले पे भी चलते हैं, बर्फ़ पे भी लेटते हैं। पीए आनंद को कहता है सर सारे टेस्ट फेल हो गए, अब आपको ही कुछ करना होगा। आनंद सबको अपनी टॉय फैक्ट्री में लाता है और कहता है जो इस टॉय फैक्ट्री को टॉप कंपनी में लाएगा वही मेरा बेटा कहलाएगा, क्योंकि ये काम सिर्फ मेरा बेटा ही कर सकता है। ये टॉय फैक्ट्री मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी से मैंने सब स्टार्ट किया था। वेंकी कहता है हमने अलग अलग होकर बहुत ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, इस बार सब साथ मिलकर काम करते हैं और एक को बेटा बनाते हैं और पैसे आपस में बांटते हैं। वरुण कहता है अच्छा आइडिया है, सब मानते हैं। वेंकी कहता है हमें बस नया प्रोडक्ट सोचना होगा। नागराज के बच्चों के फ़ोन का सिग्नल जाता है, वो नागराज को परेशान करते हैं फ़ोन के लिए। नागराज गुस्से में कहता है दुनिया के सारे साइंटिस्ट को मैं चैलेंज देता हूँ, कुछ ऐसा बनाओ जिससे बच्चे फ़ोन से दूर हो जाएं, चांद और मंगल पे बाद में चले जाना। वरुण वेंकी को आइडिया देता है। वो कहता है क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो बच्चों को एंटरटेन भी करे और एजुकेट भी। वो डिज़ाइन तैयार करवाते हैं, वो एक डिस्प्ले ऐड करवाते हैं और वो डबिंग आर्टिस्ट से डबिंग भी करवाते हैं। वेंकी कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो टॉय छोड़ के पढ़ने लग जाएं। वरुण कहता है हमें पावरफुल डायलॉग रखने हैं जिससे वो बात मान जाएं। नागराज कहता है वो पेरेंट्स की बात से नहीं मानते, टॉय की क्या मानेंगे। हनी कहती है बच्चे टॉय को लेके सोते हैं, वो उनके दोस्त की तरह होते हैं, वो उनसे बहुत कनेक्ट होते हैं। वरुण कहता है हम उनके फेवरेट हीरो के टॉय बनाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है, वो बाहुबली का टॉय बनाते हैं। वो नागराज के बच्चों पर टेस्ट करते हैं। बच्चे टॉय के पास आते हैं और डिस्प्ले वीडियो देख के खुश होते हैं। वेंकी डिस्प्ले बंद करता है, बच्चे वापस फ़ोन मांगने लगते हैं। टॉय बाहुबली की आवाज़ में कहता है मेरी सेना हमेशा गेम खेलती है, वीडियो देखती है, पढ़ाई कहाँ है, पेरेंट्स को परेशान करती है लेकिन पढ़ाई कहाँ है। मैं अमरेंद्र बाहुबली सबको तुम सबको कहता हूँ कौन बुक निकालेगा। बच्चे कहते हैं मैं। टॉय कहता है कौन पढ़ेगा। बच्चे कहते हैं हम। और सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। राज कहता है ये टॉय ब्लॉकबस्टर हैं, वो टॉय बनाते हैं।
और टॉय बहुत चलते हैं और पवन कल्याण, महेश बाबू, विजय थालापति, अलू अर्जुन, जूनियर एनटीआर सबके टॉय बनाते हैं, सब बहुत ज़्यादा चलते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और पीए आनंद को कहता है, सर टॉय फैक्ट्री ने सबको पीछे छोड़ दिया। और बाद में वेंकी आनंद से कहता है, सर हमने आपसे झूठ बोला, आपका असली बेटा वरुण है, हम चलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। वरुण कहता है, कोई नहीं जाएगा, हम सब ने बराबर मेहनत की है, पापा किसी को जाने नहीं देंगे। वेंकी कहता है, अगर तुम्हारे पापा अपने मुंह से कह देते तो अच्छा रहता। आनंद कहता है, बेटे की बात कैसे टाल सकता हूँ। वो हंसते हैं और पीए भी हंसता है, सब हैरान होते हैं। आनंद कहता है, मेरा बेटा है, ये सच है, लेकिन वो जिंदा है, ये झूठ है। आनंद अपने बेटे की फ़ोटो दिखाता है जो मर गया था, और सीन फ्लैशबैक में जाता है। आनंद कहता है, 15 साल पहले जब मैं खिलौने बेचता था, मैं 10,000 कमाता था, मेरी सारी दौलत मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई में लगाई थी। हम दोनों की सोच अलग थी पैसे कमाने को लेकर, मेरा बेटा शॉर्टकट स्मार्टनेस में मानता था, मैं हार्ड वर्क ईमानदारी में मानता था। वो घर छोड़ के चला गया, उसने कंपनी खोली, वो बहुत ही जल्दी अमीर हो गया। आनंद का बेटा आनंद के पास आता है और कहता है, हमारे घर चलिए। आनंद कहता है, एक शर्त पे, पहले बता तूने इतने पैसे कैसे कमाए। आनंद का बेटा गुस्से में चले जाता है, फिर बाद में पुलिस की नज़र कंपनी पर पड़ती है। आनंद के बेटे ने लोगों को ठगा था, उसने लोगों को चीट करके इतना पैसा बनाया था, और उसके बेटे ने शर्म के मारे अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। और आनंद कहता है, इन सब में बस एक ही चीज़ अच्छी हुई, मेरे बेटे ने मेरी पोती को बचा लिया। और सीन प्रेजेंट में आता है, आनंद की पोती आती है। वेंकी, वरुण सब हैरान होते हैं क्योंकि वो लड़की वही थी जिसको सब ने मिलकर कार से निकाला था। आनंद कहता है, मेरी पोती का किडनैप हो गया था, पुलिस से मुझे पता चला तुमने मेरी पोती को बचाया, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम सब पैसों के लिए गलत काम कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हारी मदद ऐसे नहीं होगी, मैंने तुम्हारे अंदर का टैलेंट निकालने के लिए प्लान बनाया, मैंने फेक वीडियो बनाई और तुम्हें भेजी और तुम्हें यहाँ बुलवाया, तुम्हारा टेस्ट लिया ताकि तुम्हारे अंदर का टैलेंट बाहर निकल सके, और देखो तुमने एक लॉस में जाने वाली कंपनी को टॉप कंपनी बना दिया, तुम्हारा ये नया जन्म है। ज़िंदगी सबको दूसरा मौका देती है अपनी गलतियों को सही करने का, फेलियर को सक्सेस में बदलने का, लेकिन उसके लिए ज़िंदा रहना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत बिल गेट्स हैं, बस वो दिमाग यूज़ नहीं करते, कोई अपना पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं करता, गलत जगह करता है। मैंने भी नीचे से स्टार्ट करा था, मेरे पास भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं था। आनंद पैसों का सूटकेस देता है और कहता है, ये तुम्हारे कमाए पैसे हैं। वरुण कहता है, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपने जो हिम्मत दी कुछ करने की वो बहुत है। वेंकी कहता है, हम नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, और सब जाने लगते हैं। आनंद का आदमी कहता है, बड़ा क्लाइमैक्स बाकी है। और लड़की हारिका की माँ से कहती है, मैं आपके बेटे से अभी भी शादी करना चाहती हूँ। उसके गरीब होने के बाद भी हारिका विग निकालती है, लड़की बेहोश होती है, और पीए आता है और कहता है, आनंद का किडनैप हो गया है, आनंद के आदमी ने उसका किडनैप किया था। वो कहता है, मैंने आपका नमक खाया है इसलिए आपको धोखा दिया, किडनैप किया, अब मारने वाला हूँ, आशीर्वाद दीजिए। वो उसी टॉय फैक्ट्री में आनंद को लाए थे, वेंकी और वरुण और बाकी सब आते हैं पैसे लेकर। गुंडा कहता है, पैसे दे। वरुण कहता है, पहले आनंद। आनंद कहता है, मैं पैन इंडिया क्लाइमेक्स खराब होने नहीं दूंगा, बहुत तैयारी की है, बहुत सारे गुंडे आते हैं अलग अलग मूवीज़ की कॉस्ट्यूम पहन के। वरुण कहता है, क्या इन्हें एक दूसरे की भाषा आती है। आनंद का आदमी कहता है, नहीं। वेंकी अपने लोगों को कहता है, OTT टैलेंट का यूज़ करने का टाइम आ गया। वो सब सारे गुंडों को उनकी भाषा में कहते हैं, ये सब तुम्हें धोखा देकर पैसे लेकर भाग जाएंगे। सारे गुंडे आपस में लड़ते हैं, वरुण वेंकी सब गुंडों को मारते हैं, कमिश्नर आता है, दूसरा गुंडा भी। आनंद के आदमियों को भला लगता है, वो कहते हैं, पैन इंडिया क्लाइमेक्स नागराज कमिश्नर को सच बताता है कि उसने एक कार में पैसे और डायमंड रखे थे, वो कार चोरी हो गई। चोर आता है और कहता है, वो मैंने चोरी किए थे, क्या वो असली डायमंड और पैसे थे, मैंने ऐसे ही लोगों को दे दिए, मैं बेवकूफ़ हूँ। कमिश्नर कहता है, पैसे निकाल मेरे। चोर कहता है, तुम मेरे से भी बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हारे सामने सबको दे रहा था, तुमने नहीं पहचाना अपने डायमंड और पैसे, बेवकूफ़। कमिश्नर सदमे में चला जाता है। गुंडा हारिका की माँ पे हमला करने आता है, हारिका के पापा सबको मारते हैं बहुत बुरी तरीके से, सब हैरान होते हैं। हारिका के पापा कहते हैं, ये एक आदमी की पावर है जो इतने सालों से अपनी वाइफ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। और बाद में वो वापस अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है, तुम सही हो। और सब हैरान होते हैं। एक्टर का पापा भी आता है, एक्टर का पापा उसे गोली मारता और कहता है, मैंने अपनी एक्टिंग पूरी करी सूटकेस चोरी करके। एक्टर भी गोली मारता और कहता है, मैंने भी अपना रोल अच्छे से किया सूटकेस बचा के। और वरुण और वेंकी भाग रहे थे, वेंकी एक रूम में जाता है और नरप्पा के लुक में आता है, गुंडों को मारता है। वरुण कहता है, ब्रो ये क्यों। वेंकी कहता है, ये OTT पर रिलीज हुई थी ना, लोग थिएटर में मज़ा नहीं ले पाए। वरुण भी वकील साहब के कॉस्ट्यूम में आता है, गुंडों को मारता है और कहता है, ये भी OTT पर रिलीज हुई थी, फैंस एक्शन का मज़ा थिएटर में नहीं ले पाए। दोनों मारते हैं गुंडों को। वरुण कहता है, अब चेंज करते हैं कॉस्ट्यूम वरना ऑडियंस बोर हो जाएगी। और वो वापस नॉर्मल होकर आते हैं। पुलिस आती है और कहती है, हर क्लाइमेक्स में पुलिस ज़रूरी है, वो भी सेम डायलॉग के साथ, हैंड्स अप। सब गुंडे अरेस्ट होते हैं, चोर MLA बनता है और कमिश्नर उसका असिस्टेंट। कमिश्नर कहता है, जिसने इसे डायमंड दिए उन्होंने इसे वोट देकर MLA बना दिया, इसने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया है। और वरुण वेंकी हारिका बाकी सब
साथ में बस में घूमने जाते हैं और डायरेक्टर बस चला रहा था वो कहता है अब नेक्स्ट लोकेशन गोवा नहीं F4 है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।